अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक रिव्यू वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं इस ब्लॉलेस फेशियल रिमूवर की। मैं पहले भी एक वीडियो ला चुकी हूँ जो कि फ्लॉलेस फेशियल हेयर रिमूवर था, वो भी काफ़ी अच्छा था, बट रिसेंटली मैंने ये परचेज़ किया है। बहुत क्यूट लग रहा था, इसके कलर्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे और ये ग्लिटर पैटर्न इसका बहुत ही प्यारा लग रहा था। और हम ओपन करके देखते हैं ये कैसा है। तो ऐसा है, कलरफुल, क्यूट एंड ग्लिटर पैटर्न में, एंड इसके साथ एक चार्जिंग केबल है, एंड ये क्यूट सा ब्रश है, एंड एक ये वाला फेस है। आई थिंक ये आईब्रोज के लिए होता है, वैसे मैं आईब्रोज नहीं करती हूँ तो ये मेरे यूज़ का नहीं है। और ये है इसकी मशीन जो कि बहुत ही क्यूट एंड कलरफुल सी है। वैसे मैंने इसको ना इसके लुक की वजह से ही बाय किया था। वैसे तो वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन थे, कुछ प्लेन में भी थे, कुछ कलर्ड थे, तो मुझे ना बस ये ग्लिटर वाला ही लेना था। मुझे इसकी ग्लिटरी लुक पैटर्न बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और इस वीडियो में ना मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताने वाली हूँ कि हमें ये हेयर रिमूवर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, कैसे वर्क करता है, कैसे वर्क नहीं करता। ये सेम हेयर रिमूवर बहुत सारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, कहीं पर हाई रेंज में है, कहीं पर रीज़नेबल रेंज में। मैं ना लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके देख लेना जहाँ से मैंने बाय किया है। तो जी, सबसे पहले जो लोग मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की बहुत सारी प्यारी प्यारी वीडियोस के लिए। तो चलो हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है ब्लॉलेस बैटरी ऑपरेटेड आईब्रो ट्रिमर शेवर फॉर लेडीज़ एंड आईब्रो ट्रिमिंग। ये जो वाला फेस है ये इससे आईब्रो ट्रिम करते हैं, एंड ये USB चार्जेबल भी है, आप देख सकते हैं, तो आप इसको चार्ज भी कर सकते हैं। और ये सारी इसमें लिखा हुआ है इसमें सब कुछ, और आई थिंक इसके साथ एक ये कुछ ये एक पेज भी दिया हुआ है इन्होंने, इसमें सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं किस तरह इसको यूज़ करना है, किस तरह इसको चार्ज करना है, किस तरह इसके फेस को चेंज करना है, किस तरह इसकी ब्लेड को चेंज करना है एंड ऑल। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर इसको रीड कर सकते हैं, और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी मैंने कहाँ से बाय किया है। वैसे बहुत सारे ऑनलाइन वेबसाइट पर ये अवेलेबल है, लेकिन हर जगह ये अच्छा नहीं है। कहीं पर ये 500 में भी है और कहीं पर ये आई थिंक 350 में भी है, और ये बहुत अच्छी क्वालिटी में मेरे पास आया है। मैं इसको ऑलरेडी दो बार रिसीव कर चुकी मैं इसको ऑलरेडी दो बार यूज़ कर चुकी हूँ। मेरी मम्मा को भी ये बहुत पसंद आया है, मैं मम्मा के भी हेयर रिमूव कर चुकी हूँ इससे। बिल्कुल भी पेन नहीं करता है, बिल्कुल पेनलेस है और बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है। तो मैं इसको आपको यूज़ करके भी दिखाऊंगी कि कैसे चलता है, कैसे ऑन होता है। इसमें लिखा हुआ है कि जब इसको हम यूज़ करते हैं, ऑन करते हैं, तो इसमें लाइट जलती है, तो हम ओपन करते हैं। ये कुछ इसका कैप है इस तरह, ये रोज़ गोल्ड कलर में और ऐसे मल्टी कलर की शाइन करता है। तो ये इसकी ऐसे ब्लेड दी हुई है यहाँ पर, और ये चलो मैं इसको ऑन करके दिखाती हूँ। ये आप इसकी आवाज़ साफ़ सुन सकते हैं, ये मशीन ऑन हो चुकी है और ये इस तरह साउंड कर रही है, ये चल रही है। ये बहुत ही सेफ़ है इससे, इसकी ब्लेड से मतलब किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हो सकता है हमें, कटवट नहीं हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही सेफ है, बहुत ही सेफ है। तो इसको इस बंद कर देते हैं नीचे, ये ऐसे ऑन होता है, ऐसे ऑफ हो जाता है। तो बहुत इजी टू यूज़ है, इजी टू कैरी है। आप इसको ट्रैवल करते वक्त भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ले जा सकते हैं, और साइज़ में बहुत छोटा है। तो मैंने ये अमेज़ोन से परचेज़ किया है जो कि मुझे 400 में मिला है, लेकिन अमेज़ोन पर ही क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे सेलर सेल कर रहे होते हैं, तो कहीं पर ये 250 में भी है, कहीं पर ये 350 में भी है, बट मैंने ये 400 में लिया है क्योंकि इससे पहले मैंने एक बारी और ऑर्डर किया था, तो वो मैंने आई थिंक 300 या 340 अराउंड लिया था, बट जब वो आया तो वो बिल्कुल भी अच्छी कंडीशन में नहीं था। मतलब बहुत ही उसके पार्ट्स हिल रहे थे, ये सारी चीज़ें ना लूज़ हुई हुई थी,
बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा था वो, इसकी ये पिन भी मतलब काम नहीं कर रही थी, मतलब वो चार्ज भी नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने उसको चेंज किया, फिर मैंने ये दूसरा 400 जहाँ से ये 400 का था वहाँ से मैंने ये ऑर्डर किया है। तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी में आया है, बहुत ही आप देख सकते हो हाथ में लेने में भी पता चल रहा है कि मतलब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी क्वालिटी में है। और ये कुछ अंदर से ऐसे रोज़ गोल्ड कलर में है। तो मैं तो इसको कहना चाहूँगी 10 out of 10 देना चाहूँगी, और मेरी तरफ़ से ये बहुत ही परफेक्ट क्वालिटी है इसकी, और मैं इसको रिकमेंड करूँगी कि आप इसको ले सकते हैं। जब मार्केट में मतलब रीज़नेबल प्राइस में अवेलेबल हैं तो हमें क्या ज़रूरत है महंगे ये एपिलेटर यूज़ करने की। वैसे ब्रांड में भी आपको ये मिल जाएंगे जो कि काफ़ी हाई रेंज में है, बट अगर 400 की रेंज में आपको ये मिल रहा है और ये एक साल भी चलता है तो आई थिंक ये वर्थ इट है। साल चल जाए, 1.5 साल चल जाए, इट्स ओके। जो कि महंगे महंगे होते हैं, ब्रांड के होते हैं, आई थिंक 2000 में है, 5000 में है, 4000 में है, तो मेरे ख्याल से वो इतना महंगा लेना, इतना कॉस्टली लेना बेकार है। मतलब खैर सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है, अपनी चॉइस है, लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेने वाले लेते भी हैं। तो अभी मेरा गुजारा इसी से हो रहा है, तो मुझे अभी कोई महंगे हेयर रिमूवर लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा हेयर रिमूव नहीं करती हूँ, बस मैं अपर लिप ही रिमूव करती हूँ, उसके अलावा समटाइम्स फॉरहेड करती हूँ। तो मैं आइए इसका आपको डेमो भी दिखाती हूँ कि ये एक्चुअल में वर्क करता है या नहीं करता है। तो वैसे ये सिर्फ फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए होता है, बट मैं यहाँ पे आपको फेशियल हेयर रिमूव करके नहीं दिखा सकती हूँ। तो यहाँ आपको मेरे ये छोटे छोटे हेयर्स नज़र आ रहे होंगे, तो मैं इसको ही रिमूव करके दिखाती हूँ। ये देखो, ये इसका ब्लेड है, आपको अगर नज़र आ रहा होगा तो मैं इसको जूम करके दिखा रही हूँ। ये देखो, हेयर रिमूव करने के लिए इसको इसी तरह सर्कुलर मोशन में ही चलाते रहना है। ये आप देख सकते हैं, अगर आपको नज़र आ रहे होंगे तो हेयर रिमूव हो गए हैं। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा। अच्छा, मैं ना एक बात और बताना चाहूँगी। मैं इसको दो बार यूज़ कर चुकी हूँ अपनी मम्मी के फेस पर, और एक बार मैं अपने यूज़ कर चुकी हूँ, और मैंने ना इसमें से हेयर रिमूव नहीं किए थे, वो सिर्फ वीडियो बनाने की वजह से कि मैं वीडियो में आप लोगों को दिखा सकूं। तो मैं आपको दिखाती हूं कि इसमें किस तरह हमारे हेयर इकट्ठे हो जाते हैं। जब भी आप इसको यूज़ करो ना, तो मेक श्योर कि आप ना उसी वक्त ये इसके ना हेयर को रिमूव कर दिया करो। तो इसको ना ऐसे हल्का सा ऐसे ट्विस्ट करके ओपन करते हैं, आप ये देख सकते हो, इसमें आपको साफ नज़र आ रहे होंगे ये हेयर, क्योंकि ये मैंने अभी मेरे हाथ के थे, थोड़े बड़े बड़े थे, तो ये काफ़ी सारे काफ़ी क्लियर आपको ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहे होंगे। तो हम इसको क्लीन करते हैं, ये आप देख सकते हैं साफ ये दिख रहे हैं, गिरे तो इसको हम इस तरह क्लीन कर लेते हैं। ये मैंने क्लीन कर लिया है, अब मैं इसको क्लीन करती हूँ। पर एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी, इसमें और थ्रेडिंग में ये डिफरेंस है। थ्रेडिंग करते हैं तो हमारे बाल रूट से निकल आते हैं और वो फिर से ग्रो होने में थोड़ा टाइम लेते हैं, बट इससे ऐसा नहीं होता है। इससे हमारे हेयर ऊपर ऊपर से रिमूव होते हैं और फिर वो जल्दी से निकल आते हैं। थ्रेडिंग में हमें काफ़ी पेन होता है और ये पेनलेस है, इससे हमें पेन बिल्कुल भी फील नहीं होता, तो मुझे इसलिए ये ऑप्शन बेटर लगता है। मुझे ये काफ़ी पसंद आया, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और इसका फेस, अगर फेस चेंज इस तरह होता है, देखो मैं आपको इसको ऐसे ट्विस्ट करके निकाल दिया, ठीक है, अब ना इसको हमने ऐसे लगा लिया, अब क्योंकि ये ना आईब्रो के लिए ही है, ये वाला फेस जो है ना ये आईब्रोज़ के लिए ही है। तो बस मैंने आपको वैसे ही फेस चेंज करके दिखा दिया, इस तरह चेंज होता है। इसको हम ऐसे ट्विस्ट करके वापस निकाल देंगे, तो हमारे काम का ये ही वाला फेस है, ये राउंड, और इसकी
इसी में ब्लेड लगी। तो मेरे अकॉर्डिंग ना ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है और हमें लेना भी चाहिए। समटाइम्स पता है क्या होता है, हमें अचानक से याद आता है कि हमें कहीं पार्टी में जाना है, किसी फंक्शन में जाना है, और अक्सर ऐसा होता है कि हमें अक्सर शाम में 6-7 बजे के अराउंड तैयार होना होता है और जाना होता है। उस वक्त ऐसा होता है कि हम ना तो किसी सलोन पार्लर वगैरह जा नहीं सकते होते हैं, तो फिर अगर हमारे पास ये प्रोडक्ट हो, ये हेयर रिमूवर हो, तो हम खुद से ही घर पर अपने हेयर रिमूव कर सकते हैं। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज़, पता नहीं क्या हो रहा है पीछे, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है आज। पता नहीं किसी की शादी है या कुछ है, आई थिंक समथिंग कुछ इस टाइप का है। तो कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, ये चीज़ तो मैंने आपको बताई ही नहीं। तो अगर इसकी बैटरी ख़त्म हो जाती है तो आपको क्या, ओह माय गॉड ये साउंड ना, तो अगर इसकी बैटरी ख़त्म हो जाती है तो आपको क्या करना है, इसका ये चार्जिंग केबल लेनी है। ये आपके घर में इस टाइप का चार्जर होता होगा, सभी के पास होगा, तो ये वहाँ पे लगा देना है, और इसकी जो ये पिन है इसको इस यहाँ लगा देना है और इसको छोड़ देना है। आई थिंक एक घंटे में, 1 आवर में ये फुल चार्ज हो जाएगा। आई थिंक इसकी बैटरी की कैपेसिटी, ये सब चीज़ें तो उसमें लिखी नहीं है, और ये मेड इन चाइना है। बाकी जो भी चीज़ें आपको पढ़नी हो ना, आप इसमें से पढ़ सकते हैं। और अगर आप लोगों ने ये पहले यूज़ किया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, इसके रिव्यूज़ ज़रूर देना। वैसे मुझे ये बहुत अच्छा लगा है, मेरी तरफ़ से ये 100% रिकमेंडेड है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और बहुत ही रीज़नेबल रेंज में है, इतना सस्ता, इतना अच्छा प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा। अच्छा जी, मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें, मुझे बहुत सारा प्यार दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।